मेवात से बड़ी खबर मिल रही है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। नू में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स की 5 और कंपनियां तैनात हुई हैं। 3 घंटे कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सुबह फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पैरामिलिट्री फोर्स की 5 और कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि माहौल को शांत कराया जा सके। हर ओर शांति की अपील की जा रही है। इसके अलावा एक अपडेट और है, जो कर्फ्यू लगाया गया था उसमें 3 घंटे की ढील भी दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी है। एहतियातन बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 31 जुलाई को मेवात के नू में हुई हिंसा के बाद यहां पर आज जुम्मे की पहली नमाज अदा की जाएगी और इसीलिए प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है। पहले ही प्रशासन ने ये ताकीद की है कि आज जुम्मे के दिन जो नमाज है वो मस्जिदों में ना जाकर अदा की जाए बल्कि घर पर अदा की जाए, और इसीलिए पूरे नू में पैरामिलिट्री फोर्सेस को जगह जगह तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो नू के मुख्य चौराहे पर मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ पर 31 जुलाई को हिंसा की शुरुआत हुई थी। हर गली हर मोहल्ले में इसी तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इस वक्त अत्याधुनिक हथियारों से फ्लैग मार्च कर रही है। बाकायदा महिला टुकड़ी भी यहां पर मौजूद है ताकि अगर कोई महिला यहां पर आती है उपद्रव करने तो उसको रोका जा सके। अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, AK-47 इनके पास है। इसके अलावा ये आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गन भी इनके पास है कि अगर बलवाई आते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको रोका जा सके। करीब 25 से 30 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनी है वो इस वक्त नू में तैनात की गई है और जो कर्फ्यू है उसमें ढील देते हुए सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की ढील दी गई है ताकि लोग अपनी जरूरत की चीजें ले सकें। लेकिन इस वक्त सड़कों पर सन्नाटा है और कहीं भी अगर कुछ नजर आ रही है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम है जिनको यहां पर मुस्तैद किया गया है। सबसे चुनौती का दिन आज के लिए है पुलिस प्रशासन के लिए ताकि कोई भी उपद्रवी यहां पर किसी भी तरीके की हिंसा ना करने पाए, और इसीलिए आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार यहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के तैनात की गई है। सड़कों पर फ्लैग मार्च करके लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि सब लोग अपने घरों के अंदर रहें, किसी भी तरह की पत्थरबाजी आगजनी या फिर हिंसा की जरा भी कोशिश ना करें। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नू। तो पुनीत शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी, नू से रिपोर्ट देखी। नू में कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील तो दी गई है। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है, इजाजत मिली है। नू से देखिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद लगातार कर्फ्यू का माहौल नूह में है, लेकिन 3 घंटे के लिए इस कर्फ्यू में छूट दी जा रही है ताकि लोग अपने रोजाना की जरूरत की जो चीजें हैं उनको बाजार से खरीद सकें। कर्फ्यू लगा हुआ था हिंसा के बाद, आज आप सब्जी लेने आए हैं, जरूरत की चीजें? जरूरत चीजें लेना है, सब्जी लेना है। अच्छा, 1 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा, फिर घर? हाँ, फिर घर, फिर घर चले जाएंगे। हाँ। मार्केट में भीड़ लगी हुई है और इसीलिए सब्जी लेने आए, क्योंकि 1 बजे के बाद फिर यहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। जुमे की नमाज अदा करानी और इसको लेकर के भी प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सजग और लोगों से अपील की है कि वह जुमे की नमाज को अपने घरों में ही अदा करें, मस्जिद में ना जाएं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नू।